हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से फिटर थ्योरी की क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो जैसा ये क्लास सेकेंड ईयर के लिए है, तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था स्क्रू के बारे में कि स्क्रू क्या क्या कैसे कौन कौन से टाइप के होते हैं, स्क्रू के बारे में पढ़ाया था, स्क्रू क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और उसको हम किस किस जगहों पर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में अब आगे का है कि स्क्रू को जिस चीज से ऑपरेट करते हैं, जिससे हम उसे टाइट करते हैं या खोलते हैं, उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स का। तो उसके लिए आज हम स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पैनर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर्स काम कैसे करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ते हैं स्क्रू ड्राइवर्स कार्य कैसे करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है स्क्रूज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में। स्क्रू ड्राइवर्स जिसे आप लोग हिंदी में पेंचकस भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर्स तथा उसके उपयोगों को बताना, स्क्रू ड्राइवर को निर्दिष्ट करना, स्क्रू ड्राइवर को उपयोग करते समय किस किस चीजों का हमें सावधानियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं, जो सबसे पहला फिगर आप देख रहे हैं, फिगर वन में देखिए आप लोग, फिगर वन में लाइट ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं लाइट ड्यूटी, जो हम लोग अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। उसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लेड होती है मोटी सी, ये मोटी ब्लेड है, ठीक है, और इस पे एक इंसुलेटर लगा होता है प्लास्टिक का, पीले रंग का आपने देखा होगा, और इसके बाद यहाँ पर लोहे की एक टिप होती है और ये भी एक कुछ अलग पदार्थ का बना होता है, लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल होता है, ये कुछ अलग होता है, ये विद्युत का कुछ अलग होता है, और जो ये लोहा होता है यहाँ से यहाँ तक का, जो इसका जिसको हम लोग शैंक बोलते हैं, ये शौंक नहीं होगा, ये शैंक होगा, इसको आप लोग शैंक पढ़िएगा, ये जो शैंक है इस पे भी इंसुलेटर मतलब उस लेमिनेशन किया होता है एक प्लास्टिक का, ताकि यहाँ भी आप कहाँ टच कर जाए अगर गलती से तो आपको करंट ना लगे, कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से। तो दूसरा देखिए आप लोग हैवी ड्यूटी, दूसरे फिगर में ये हैवी ड्यूटी होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स, इसका ब्लेड वर्काकार होता है, ये जो ब्लेड होता है ना, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, जो आप लोग लाइट ड्यूटी देखा था, इसको आप लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसको गोल दिखेगा, इसका जो रॉड होगा ये गोल सा दिखेगा ऐसा, इसको इस रॉड को अगर आप लोग देखेंगे फ्रंट से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा स्क्वायर, ये फ्रंट से देखेंगे इसको तो आपको स्क्वायर दिखेगा, फिर नीचे ये टिप होती है इसकी, ये होती है, ये हल्के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइट ड्यूटी, ये हल्के काम के लिए, और भारी काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी ड्यूटी, भारी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए इसमें वर्गाकार सेक्शन बना होता है, ये जो होता है आपका रॉड जो होती है ये वर्गाकार होती है। ठीक उसी तरह फिगर तीन में देखिए आप लोग, फिगर तीन में क्या दिया हुआ है कि विशेष प्रकार का जो ये जो स्क्रू है इसको खोलने के लिए हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली आपके हल्के स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेंगे, आपका हल्का स्क्रू ड्राइवर टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा, इसको खोलने के लिए हैवी, ये मेटल का बना होता है ये हिस्सा, इसको स्क्रू ड्राइवर के स्लॉट स्क्रू के स्लॉट में फंसाते हैं, यहाँ पर आप देखिए स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट में उसे फंसाकर फिर स्पैनर की मदद से, इसको बोलते हैं स्पैनर, ठीक है, स्पैनर, स्पैनर की मदद से इसको खोला जाता है, ये बहुत ज्यादा टाइट होते हैं इसलिए इसीलिए इसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नीचे देखिए हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लंदन पैटर्न, लंदन पैटर्न ये इस फिगर नंबर 4 यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है इसकी ब्लेड फ्लैट होती है, ये जो पूरी ब्लेड है ये पूरी फ्लैट होती है, ये वाली ब्लेड इसको बोलेंगे ब्लेड,
ब्लेड है ये पूरी फ्लैट होती है। यह अधिकांशतः लकड़ी के स्क्रू की फिक्स करने या निकालने द्वारा बढ़ई द्वारा उपयोग किया। थोड़ा हिंदी इधर उधर है, परेशान ना होइए। क्या होता है कि लकड़ी में कोई स्क्रू अगर फिक्स होता है तो जो बढ़ई होता है वो इसका इस्तेमाल करता है, कि वो इसके टिप के माध्यम से उसको कोई भी स्क्रू है तो उसको निकालने या टाइट करने का काम करता है। ये बढ़ई ज्यादातर इस्तेमाल में यूज में लाते हैं इसको। ये भी मीडियम या हल्के कार्य के लिए होता है, भारी काम के लिए ये भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद होता है आपका फिलिप्स, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। जैसा आपने स्क्रू मैंने आपको हेड स्क्रू में बताया था जिसमें प्लस का आकार बना होता है, प्लस का आकार बना होता है उसे हम बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसमें हेड में प्लस बना होता है, जैसा आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना हुआ है। तो जो स्क्रू ड्राइवर का हेड है वो सेम स्क्रू के हेड के आकार के समान ही होता है। इसमें इस प्रकार का आकार बना होता है जो इसमें जाकर प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की स्लिपेज नहीं होती। स्लिपेज जैसे अगर आप स्क्रू ड्राइवर को टाइट कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो आपका हाथ स्क्रू जो है स्क्रू ड्राइवर वो फिसलेगा नहीं। अक्सर ये जो सीधा स्लॉटेड होता है इसमें आपका हाथ फिसल जाता है, लेकिन जब आप इस टाइप के फिलिप्स टाइप के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो हाथ फिसलता नहीं है और प्रॉपर तरीके से स्क्रू टाइट हो जाता है। किसी भी बारीक कार्यों के लिए हमेशा फिलिप्स टाइप के स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो मोबाइल भी होती है ना जिसमें छोटे छोटे स्क्रूज लगे होते हैं वो भी फिलिप्स टाइप ही होते हैं। अगला ये देखिए, आप फिगर 6 में देखिए, क्रूसाकर टिप्स के बने होते हैं। इसमें क्रूसाकर मतलब ये देखिए हेक्ट, ये जो इस प्रकार का शेप कुछ बना होता है आपका, इसका देखिए टॉप व्यू दिखाया, फ्रंट व्यू दिखाया गया है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अगर आप अपने इसकी नोक को अपनी आंख के नाक के सामने लेकर आएंगे तो इसकी नोक कुछ ऐसे दिखाई देगी, प्लस के आकार की, और यहां पर जाके इसके स्लॉट फिक्स हो जाते हैं और जो आपका पेचकस है स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर तरीके से मूव करता है। ये देखिए फिगर 7 में देखिए, फिगर 8 इसका टॉप व्यू है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसकी जो टिप है वो बीचों बीच में घुस जाती है और साइड में जो इसके फ्लैंक है वो साइड में स्क्रू से अटैच होके उसको मूव करता है, मतलब टाइट करता है या खोलने का काम करता है। ये चित्र में यहां देखिए, ये पूरी तरह आप यहां देख के समझ जाएंगे, ये एक स्क्रू बना हुआ है, यहां पर स्क्रू ड्राइवर आ रहा है और इसे प्रॉपर तरीके से यहां पे खोल दे रहा है। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को काट के दिखाना। तो एक स्क्रू है उसको काट के दिखाया जा रहा है कि यहां पर पेचकस किस तरीके से वो उसमें अंदर जाके सेट होता है और स्क्रू को खोलने का काम करता है। अब अगला है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसमें देखिए फिगर 9 में, ये देखिए इस टाइप के होते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। चित्र को देख के आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि ये किस टाइप के कार्यों में काम आते हैं। ऐसी जगहों पर काम आते हैं जहां पर जैसे आप देखता है स्क्रू ड्राइवर की जो लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और आप किसी ऐसी सकरी जगह पर आपका स्क्रू टाइट किया हुआ है जैसे इस बॉक्स के अंदर, जहां पर इसकी हाइट देखिए काफी कम है, तो यहां पर आप किसी नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से इस पेंच को नहीं खोल सकते। इसको खोलने के लिए आपको क्या होगा, एक ऐसा पेंच चाहिए, ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो छोटा हो और बेंड हो। तो ऐसे स्थान पे जहां पर हमारा स्क्रू ड्राइवर की जो लेंथ है अगर एडजस्ट नहीं हो पाती तो हम वहां पर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप शेप में देख रहे हैं कि आराम से साइड से जाकर स्क्रू के स्लॉट में सेट हो जाएगा और स्क्रू को प्रॉपर तरीके से खोल देगा। इसी तरीके से शीघ्र ये भी है, स्क्रू ड्राइवर को खोलने का कार्य करता है। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर सीधा भी है तो आप इस ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू को आसानी से खोल सकते हैं। अक्सर मास प्रोडक्शन में जहां पर असेंबली का काम होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया जाता है, मास प्रोडक्शन। मतलब तेजी से काम करना। स्पेसिफिकेशन, अगला है स्पेसिफिकेशन, फिगर 12। फिगर 12 आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर 12 है।
इसमें देखिए क्या बता रहा है कि ये लंबाई, ये ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई के आधार पर बनाए जाते हैं। ब्लेड की लंबाई मतलब क्या हुआ आपका ए, ये ब्लेड की लंबाई है, ये जो है ये ब्लेड की लंबाई है लेंथ, और ये जो टिप है ये इसकी चौड़ाई है बी। तो इसी आधार पे अगर हमको कोई पूछेगा कि स्पेसिफिकेशन स्क्रू ड्राइवर कौन से होते हैं, तो उसमें आप पूछेंगे कि इसकी लंबाई क्या होगी और टिप की चौड़ाई क्या होगी। इसको बोलते हैं टिप, TIP, टिप। टिप मतलब सिरा होता है इसका, टिप के आधार पे होते हैं। अब इसमें ये देखिए, ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 45 से 300 mm और चौड़ाई जो टिप की है 3 से 10 mm, मतलब 45 से 300, मतलब ये जो आपकी लंबाई है ये 45 से 300 mm तक होती है, mm मिलीमीटर, और जो चौड़ाई होती है ये होती है आपकी 3 से 10 mm तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, विशेष उपयोग के लिए स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवर फॉर स्पेशल यूजेस। देखिए इसमें कुछ है नहीं, एक सिचुएशन है जहां पर सिचुएशन के आधार पे मतलब स्थिति के परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर फिगर 13 में देखिए, इसकी हाइट कम है, इसकी जो हाइट है वो कम है। क्यों कम है? जहां पर सीमित स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं छोटा स्थान होता है जहां पर गैप, लंबाई के लिए गैप बहुत कम मिलता है, तो उसके लिए क्या होता है, वहां पर हम छोटे आकार के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसकी भी हाइट छोटी है और इसकी भी हाइट छोटी है, और ये जो बने होते हैं इस पे स्ट्रक्चर, ये पकड़ बनाने के लिए, जैसे आपके हाथ में जो है स्क्रू ड्राइवर की पकड़ मजबूत रहे, इसके लिए इस प्रकार के इसमें डिजाइन बनाए जाते हैं स्क्रू ड्राइवर्स में। इलेक्ट्रीशियन के उपयोग के लिए, जैसे आपने फिगर 14 में देखी, अब इलेक्ट्रीशियन के उपयोग के लिए ब्लेड पर इंसुलेटर के आवरण भी स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं। जैसे आपने दिखाया, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो इतना हिस्सा होता है ये मेटल का बना होता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे एक कवर चढ़ा होता है पतला सा, प्लास्टिक का या रबर का। तो ये किस लिए होता है? आपको करंट झटके, बिजली के झटकों से बचाने के लिए। अगर आप इसको पकड़े हुए हैं, गलती से आपकी उंगलियां इसको टच कर जाएं, तो आप क्या करंट से बच जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है आपके बचाव के लिए। अब प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है? सावधानियां। प्रिकॉशंस मतलब होता है सावधानियां। जैसा आप फिगर 15 में देखिए कि ये स्क्रू ड्राइवर है और ये नीचे स्क्रू है, उसका स्लॉट बना हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो चौड़ाई है ये बराबर नहीं है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि हमें अगर स्लॉट की चौड़ाई से पतला स्क्रू ड्राइवर है तो हमें उसका इस्तेमाल, जिसकी टिप पतली है स्लॉट की चौड़ाई से, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसी तरह अगर स्क्रू के स्लॉट से स्क्रू ड्राइवर के जो टिप है उसकी चौड़ाई अगर ज्यादा है, उस कंडीशन में भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर जो टिप का साइज है वो चौड़ा अगर ज्यादा भी है तो भी इस्तेमाल नहीं करना है, अगर पतला भी है तो भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब स्क्रू ड्राइवर और जो स्क्रू है, जो स्क्रू का स्लॉट है, दोनों का शेप अगर बराबर है, उस कंडीशन में हमें वही स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ फिसलेगा नहीं, और जो आपका पेचकस है वो प्रॉपर तरीके से स्लॉट में बैठेगा और वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। इससे क्या होगा, दुर्घटना होने की कोई चांस नहीं होगा और काम जो है सुरक्षात्मक तरीके से पूरा होगा। इसलिए क्या बोला गया, सावधानियां, प्रिकॉशन। अगला देखिए क्या लिखा है, स्क्रू ड्राइवर के स्लिप होने के कारण चोट लगने से बचने के लिए अपने हाथ दूर रखें। आप चित्र में देखिए इस व्यक्ति ने कैसे पकड़ा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर का टिप कहां पर है, उसका हाथ कहां पर है, मतलब हैंडल से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें यहाँ पर, ये एकदम नजदीक भी ना चला जाए ताकि आपका हाथ यहाँ पर टच कर जाए। इसलिए अपनी हाथ जो स्क्रू ड्राइवर के स्लिप होने के कारण जो आपका चोट लगने की संभावना है बहुत ज्यादा होगी, या फिर करंट का काम कर रहे हैं तो आपको करंट भी लग सकता है। तो
तो इसलिए अपने हाथ पे जो दूरी है वो बना कर रखें। और क्या दिया हुआ है, स्प्लिट कटा हुआ खराब हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल ना करें। ये तो भाई सबसे सही बात है, आपको भी पता है कि थोड़ा सा भी अगर आपका यहां पर देखिए हैंडल कटा हुआ है, अगर यहां कटा हुआ है तो इसका जो मेटल है जो अंदर धंसा हुआ है ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर इसको आप पकड़ते हैं तो क्या होगा, पकड़ेंगे तो एक तो अगर वो नुकीला है तो आपको चोट लग सकती है, दूसरा कोई करंट का काम कर रहे हैं तो बिजली सीधे बिजली का झटका आपके हाथों में लगेगा। इसलिए कभी भी टूटे फूटे हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर यही छोटी सी बात है। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कुछ भी नहीं है, आप उसको देख कर जान सकते हैं कि उसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है। और अगला इसी कड़ी में, जैसा मैंने आपको बताया था स्क्रू में कि कुछ के हेड जो होते हैं वो पंचभुजाकार भी होते हैं और चतुर्भुजाकार के भी होते हैं, तो ऐसे स्क्रूज को खोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पैनर्स, स्पैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पैनर कैसे दिखाई देते हैं ये देखिए, ये डबल एंडेड स्पैनर है। अब स्पैनर के बारे में पढ़ते हैं। स्पैनर्स एक ऐसा हैंड टूल है जो नट तथा बोल्ट तथा स्क्रू हेड को टाइट या ढीला करने के लिए एक सिरा या दोनों सिरे पर जाकी ओपनिंग या रिंग बनी होती है। जैसे ये इसने यही बताया कि नट बोल्ट को ढीला करने के लिए, टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सिरे टाइप के होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक सिरा इधर है एक सिरा इधर है, डबल साइडेड, ठीक है। यह ड्राफ्ट फोर्स टेंसाइल तथा एलॉय स्टील की बनी होती है। ये एलॉय स्टील से, एलॉय स्टील बहुत ही मजबूत स्टील मानी जाती है। नॉर्मली जो आपके नट बोल्ट बने होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के या माइल्ड स्टील के बने होते हैं, तो माइल्ड स्टील क्या होता है आपके एलॉय स्टील से कम मजबूत होता है। तो कोई भी चीज अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर आपका स्पैनर का जो मेटल है नट बोल्ट के मेटल से कमजोर होगा खोलते समय क्या होगा, आपका स्पैनर ही मुड़ जाएगा, बोल्ट भले ना खुले। इसलिए स्पैनर की जो मेटल की क्वालिटी होती है वो नट बोल्ट की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर होती है, उससे ज्यादा कठोर होती है। तो ये किस चीज का बना होता है, एलॉय स्टील का बना होता है। स्पैनर्स के प्रकार, स्पैनर जनरली दो टाइप के आते हैं मार्केट में, ओपन एंड स्पैनर और रिंग स्पैनर। ओपन एंड स्पैनर मतलब किस टाइप के, ये जो ओपन एंड है मतलब खुला हुआ है जिसका मुंह है एक तरफ से, ये सिरे सिंगल एंडेड, एक सिरे डबल एंडेड हो सकते हैं, मतलब ये वन साइडेड भी हो सकता है या डबल साइडेड भी हो सकता है, और ये खुला हुआ होता है, ओपन एंडेड स्पैनर इसको बोलते हैं। यहां पर देखिए इसकी जो दोनों सिरे हैं ये खुले हुए हैं, ये ओपन एंडेड स्पैनर है, ओपन एंडेड। अब दूसरा आता है रिंग स्पैनर। अब आपको इसके बारे में फिर से बता दें, जो ओपन एंडेड स्पैनर होते हैं जनरली ये हेक्सागोनल जो षड्भुजाकार होते हैं इस प्रकार के नटों को खोलने के कार्य में आते हैं। और ये जो इनका साइज होता है मार्केट में, अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो भाई हमको आपको स्पैनर खरीदना है तो ये 8 सेट में उपलब्ध होता है मार्केट में। हाँ, 8 से 27 mm तक के बीच में ये पाए जाते हैं, जैसे 8 × 10। और इसके बोथ साइड, जैसे कि यहां पर जैसे यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 9 लिखा होगा अगर दोनों साइड से है तो, जैसे कि आप इसमें देखिए अगर ये 12 है, अगर यहाँ 12 होगा तो इधर 13 लिखा होगा, मतलब ये अलग अलग साइज के मार्केट में आते हैं। तो 8 से लेकर जो है वो 27 mm तक मार्केट में ये उपलब्ध होते हैं आपके डबल एंडेड स्पैनर। अब रिंग स्पैनर की बात करें, अब फिगर 4 भी देखिए, 5 भी देखिए, दोनों में देखिए, और ये 6 भी देखिए, ये रिंग स्पैनर अलग अलग शेप के दिखाए गए हैं। ये थोड़ा कम बेंडेड है, ये थोड़ा ज्यादा बेंड है। यहां पर देखिए इसकी जो जो बेंड बना हुआ है और इसका जो बेंड बना हुआ है ये थोड़ा हल्का है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये क्यों है? आप सिचुएशन देखिए फिगर 4 में, ऐसा क्यों बनाया गया है? अगर आप बगल की, ये ऐसे जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं जहां पर जो आपका नट है बहुत ही सकरी जगह पर हो, टाइट किया हो, और वहां पर आपका स्पैनर सीधे 180 डिग्री में, इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री में अगर हम सीधे लगाएं तो वहां पर लग नहीं सकता, तो वहां पर हमें क्या होगा, एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसने में देखिए 15 डिग्री इसने दे रखा है, 15 डिग्री के एंगल पे ये बना होता है ताकि ये अगर कोई नट बोल्ट वहां ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको भी पार करके आसानी से दूसरे नट बोल्ट को वो पकड़ सके।
तो पकड़ बनाने के लिए सकरी जगहों पर हम रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। और भी ज्यादा इसका एंगल दिया जा सकता है, ये 75 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक भी होता है। ये अलग-अलग इस्तेमाल के अनुसार, यूजर्स के अनुसार बनाए जाते हैं। अब इसमें भी देखिए आप, ये 8 सेट में मिलते हैं 18 से 27 mm तक। स्पैनर के साइज तथा पहचान, कैसे हम पहचाने कि स्पैनर का साइज और पहचान क्या है। मैट्रिक बोल्ट नट स्क्रू स्पैनर जो जा की ओपनिंग या क्रॉस साइज में अंकित होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो इसका जो साइज होता है वो यहां पर इसके नेक के पास जो आपको वहां पर अंकित किया हुआ रहता है कि ये किस साइज का स्पैनर है। स्पेशल पर्पस स्पैनर, इसको बोलते हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया स्पैनर। 7 और 8 फिगर में देखिए, टॉम्बी वार, इसको बोलते हैं टॉम्बी वार। ये क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे स्कूटर में, आपका जो पहले का स्कूटर हुआ करता था उसमें क्या होता था, एक स्पार्क प्लग होता था। स्पार्क प्लग को निकालने के लिए इस प्रकार के कोई चीज अगर कोई होल के अंदर है तो वहां पर जो आपका स्पैनर तो पहुंच नहीं सकता, तो ऐसी जगहों पर पकड़ बनाने के लिए इस टाइप के स्पेशल पर्पस स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूटर का याद है आपको, स्टार्टर ऐसा कुछ बना हुआ होता था। उस स्टार्टर को बाहर निकालने के लिए इस टाइप के स्पैनर का, आप भी जब कोई स्कूटर खरीदते हैं तो ये जो टूल किट दिया होता है स्कूटर का, उसमें ये चीज उसके साथ दी जाती है ताकि जब भी आपका स्कूटर कहीं बीच रास्ते में खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसको इस प्रकार से कर सके। पहिए का जो नट बोल्ट होता है, जो गाड़ियों का पहिया, जो स्कूटर का नट खोलने के लिए, इस भी हमें इस प्रकार के स्पैनर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कम कम बल लगाकर आसानी से स्कूटर के नट को खोला जा सकता है पहिए के। इसके बाद क्या है, सॉकेट स्पैनर, जैसा मैंने आपको बताया ये सॉकेट स्पैनर इसको बोलते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के जो साइज होते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं, ये नट के ऊपर पूरी तरह ग्रिप करके उसको आसानी से हम लोग कम बल लगाकर इस हैंडल की सहायता से आसानी से खोला जा सकता है। और जब आप फिगर 10 की बात करें, ये देखिए एडजस्टेबल, जैसा आपने देखा है इसको, आप लोग शायद मार्केट में अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर, मतलब एडजस्ट किया जा सके, जिसे इसकी साइज को एडजस्ट किया जा सके। यहां पर नर्ल बना होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर क्यों कहते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर कहने का सिंपल सा फंडा यही है, जिसको एडजस्ट किया जा सके। इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल स्पैनर में एक मूवेबल जॉ होती है और एक फिक्स जॉ होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी जॉ, और यहां पर नर्ल होता है जिसको हम अपने अंगूठे से घुमाते हैं पकड़कर। हम और क्या करते हैं, इसको यहां से इस पर हमारा हाथ, इस पे पकड़ बनी होती है इस हिस्से में हमारी, और यहां से हम इसके अंगूठे के द्वारा घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो यही जो जॉ होती है वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करती है, तो हम जैसा भी साइज हमें आवश्यकता होती है हम उस साइज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। उसके बाद हुक स्पैनर, हुक स्पैनर जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये स्लॉट बना होता है, उस हुक को उस स्लॉट में फंसा देते हैं और यहां से घुमाते हैं या फिर इधर घुमाते हैं, तो क्या होगा, आप टाइट कर सकते हैं या इसे खोल सकते हैं इस हुक की सहायता से। इसे हम क्या कहते हैं, हुक स्पैनर। तो यहां पर आपका जो है स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर्स, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, बस उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से और टेक्निकल की दृष्टि से। यूज में सब करते हैं आप, लेकिन कभी उसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं, उसका उपयोग क्या है, वो ऐसा क्यों दिया गया है। तो अपने दैनिक जीवन में भी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, जब हम उसको अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसे ऐसा क्यों बनाया गया है, उसको बनाने का ऐसा कारण क्या रहा। तो आज का ये स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर का चैप्टर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आपको समस्या है या कोई आपको कोई आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। हम चाहते हैं कि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना सजेशन देंगे उतना ही हमारे वीडियोस में और निखार आता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।